स्टार्ट करते हैं. दिस इज H2M1, ठीक है. ऑलरेडी कवर्ड, मतलब छोटा सा टॉपिक है तो मैं PDF से ही बताते रहा हूँ. बस आपको समझना है, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या पढ़ना है. आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस, विच बिहेवियर, ओनली आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस. देन फोर्स ऑन बाउंड्री ड्यू टू गैस, ठीक है. किसी एक वेसल में इफ द गैस इज पैक्ड तो किस तरीके से फोर्स लगता है, ठीक है. फिर ये तीन वेलोसिटीज के फॉर्मूले, वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा है, ठीक है. तो बस थोड़ा सा ही देखना है, ठीक है. पूरा मैं बता दूंगा PDF, लेकिन आपको याद क्या करना है वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है. तो देखो, फर्स्ट यू हैव टू टेक द अजम्पशंस. KTG पढ़ने से पहले यू हैव टू रिमेंबर दीज अजम्पशंस फॉर आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस. द फर्स्ट वन, काइनेटिक थ्योरी का इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन. आपको ये आपके दिमाग में रखने हैं. द फर्स्ट वन, अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, परफेक्टली इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर्स. दे आर सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है. मॉलिक्यूल का जो खुद का जो कोर वॉल्यूम है, एज कम्पेयर उनके बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है. इसलिए उनका जो साइज होगा, उनका साइज वो नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस. क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है, ठीक है. सेकेंड, मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी प्रिफर्ड डायरेक्शन. वो एग्जैक्ट मोशन में मूव करेंगे, रैंडमली वो मूव करेंगे. दीज मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इन फ्री मोशन मोस्ट ऑफ द टाइम. द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द एनी टू मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल. मतलब कि जो आपस में कोलिजन करेंगे उसका DT टाइम टेंड्स टू जीरो, ठीक है. सेकेंड, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक. क्यों? सो दैट नो एनर्जी लॉस. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन ईच कोलिजन. मतलब कि कोई गैस अगर पैक रखी है, इट विल नॉट लूज इट्स एनर्जी. ऐसे रखे रखे उसकी एनर्जी कोलिजन की वजह से लूज नहीं हो सकती, बिकॉज द कोलिजन विल बी कंसिडर्ड इलास्टिक, ठीक है. द पाथ ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन. मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे से जब टकराएगा ऐसे, इस पाथ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मीन फ्री. दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ. एंड एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ मॉलिक्यूल. NLM लगेगा यहाँ पे, NLM यहाँ पे लगेगा. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल. मतलब कि जीरो ही मानेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल का वेट बहुत ज्यादा कम है. क्लियर है कि नहीं? ऑल पॉइंट्स क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है इन पॉइंट्स में? एनी डाउट? ठीक है. नेक्स्ट देखो, ये आपको बस समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. एक मॉलिक्यूल है वो एक्स, वाई और जेड तीनों में वेलोसिटी पजेस करेगा. तो इसका जो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है ये वी आएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है. अब ये अगर हम सिर्फ एक स्पेस की बात करें, HCBEH है ना, तो इसमें अगर ये कोलाइड करता है, आता है, कोलाइड करता है और जाता है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? ट्वाइस का 2mx है ना, 2mvx, यही होगा ना. क्लियर है कि नहीं? टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम हो गया. तो फोर्स कितना होगा? मोमेंटम चेंज अपॉन में टाइम टेकन, ये फोर्स आ जाएगा. दिस इज द फोर्स ऑन वॉल एक्स. क्लियर? सबको एडअप कर दोगे तो एफ एक्स इतना आ जाएगा. अब क्या हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर, ये तो बराबर ही है, क्योंकि मतलब कि आइडेंटिकली मानेंगे कि हाँ इनकी वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में ऑलमोस्ट बराबर है. तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट RMS, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर. तो इनका सम हो जाएगा वो, ठीक है. या यू कैन राइट इट, इतना लिख सकते हो, ठीक है. वी स्क्वायर बाई थ्री, वी एक्स को लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई थ्री. इसमें कोई डाउट है? फिर से देखो, यहां से क्या निकाला? टाइम निकाला, फोर्स निकाला, यहां से एफ नेट निकाला, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई हो तो ये हो, ठीक है. चलो पी कितना आएगा? पी इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में प्रेशर कितना आएगा? दिस इज प्रेशर. ये क्या है? प्रेशर. प्रेशर कितना आएगा? फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया. दिस इज क्या? प्रेशर, ठीक है.
तो ये इतना आता है। तो प्रेशर का जो बॉक्स में है वो आपको याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। वी क्या है यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, वी इज आरएमएस, आरएमएस स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप हमेशा यूज कर सकते हैं, टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू रखोगे तो 3/2 pv ये याद करना है, ठीक है, 3/2 nrt आ जाता है, ठीक है। यहां से आरएमएस स्पीड का वैल्यू इतना आता है जो बॉक्स में लिखा है, अभी मैं ये सब याद करा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है, परेशान मत हो कि एकदम से ये मैंने सारे आगे भी लिखे हैं जो आपको याद करना है। प्रेशर एग्जर्टेड कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ ई, ये भी आता है, ये भी ये बॉक्स तरह भी याद करना है, एनर्जी अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब क्या होगा इसमें आपको जो याद, देखो काइनेटिक एनर्जी कितना आता है 1/2 mv² दैट इज इक्वल टू 3/2 pv इज इक्वल टू 3/2 nrt। आरएमएस कितना आता है, आरएमएस √3 rt/m, जब मोलर मास की बात करेंगे तो m, जब एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो k आएगा। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, पहले भी मैंने बताया हुआ, दिस इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। पॉइंट क्या है, आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ मोलर मास एट एब्सोल्यूट जीरो, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे मोशन क्या हो जाएगा, सीज कर जाएगा, स्पीड जीरो आएगा। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये तो पता है हमें, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे गैसेस बिहेव आइडियली, क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर, ठीक है। अगला आता है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें समझ लो क्या है, दिस इज अ ग्राफ, ये ग्राफ क्या बताता है, इस ग्राफ में देखो ये इंटेंसिटी बना है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर स्पीड, ठीक है। तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटेंसिटी आएगी दैट विल कम एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इस वेलोसिटी पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग, इसको बोलते हैं वीपी इज मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसी पे मिलेंगे। फिर अगला आता है एवरेज स्पीड, उसके बाद जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मिलेंगे वो एवरेज स्पीड पे मिलेंगे, सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस पे मिलेंगे, आरएमएस स्पीड पे। तो आपको ये पता होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और आरएमएस, इनमें क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड में आरएमएस सबसे ज्यादा है, एवरेज उससे कम और मोस्ट प्रोबेबल उससे कम, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ये ग्राफ आगे खिसक जाएगा, आगे फैल जाएगा, क्यों, क्योंकि इन सबकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, इन सबकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, तो ये आगे ग्राफ फैल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब आपको याद क्या रखना है वो देखो, देखो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है, ये याद कर लेना है, √8 kt/πm, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, मैं अभी आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ आपको याद क्या करना है इसमें, इसको बस आप KTG में इतना याद रखना है। फर्स्ट इज assumptions, assumptions तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ लिखवाया था ये assumptions आपको बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, आसान है अगर समझ जाओगे तो। सेकेंड इज प्रेशर एंड एनर्जी रिलेशन, देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना आया था 3/2 pv, ये आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 ऑफ pv, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर। फिर स्पीड्स याद रखनी है, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3 rt/m, ठीक है, जब मोलर लेवल की बात करेंगे 3 rt/m, m क्या है, मोलर मास इन kg, kg में रहता है याद रखना, मोलर मास इन kg, एंड स्मॉल m इज मॉलिकुलर मास इन kg, r क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, k क्या है r पॉन में na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर, क्लियर है, इज इट क्लियर, ठीक है, चलो। तो वी आर एम एस कितना हो गया √3 rt/m, ये कितना हो गया √8 rt/πm, ठीक है, इसको याद कर लेना। एवरेज का कितना होता है √8 rt/πm, ये कितना होता है √8 kt/πm, वी आर एम एस कितना होता है √3 kt/πm, क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर, क्लियर है,
तो ये आपको सिर्फ याद करना है, कुछ नहीं, ये बॉक्स वाले याद करना है, ठीक है। अगला आता है मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज रूट टू आर टी बाय फाइव रूट, ठीक है, रूट टू आर टी बाय पाई एम, मुझसे गलती से निकल गया, रूट टू आर टी बाय एम और इसके के टी बाय, है ना। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड उसका होगा, द आरएमएस विल बी हैविंग द मोस्ट, है ना, द मैग्नीट्यूड विल बी ऑफ आरएमएस विल बी ग्रेटर देन एवरेज देन ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोस्ट प्रोबेबल देन एवरेज देन आरएमएस, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ये ग्राफ आगे फैल जाएगा इस तरीके से, टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, ठीक है। दिस शोज द इंटेंसिटी डी एन बाय डी वी, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में स्पीड। बस आपको इतना ही याद रखना है, कितना, इतना और इतना याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर। चलो तो यहीं पे रखेंगे।